हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइडर रुपये 27 में। तो सुबह के करीब बज रहे हैं 6:30 और आज हम आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। हमारे जितने भी राइडर्स भाई हैं और उसके बाद में जो हमारे लोकल के लोग हैं, यानी पूरी तरह से हम लोग समझ लीजिए कि नेपाल नहीं जा सकते थे, यानी पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। तो दोस्तों, नेपाल बॉर्डर खुल गया है, पूरी तरह से खुल गया है। आप जैसे भी चाहें वैसे भी जा सकते हैं नेपाल, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने निजी वाहनों से भी जा सकते हैं और उसके बाद में फोर व्हीलर से भी, मतलब जो जो सुविधा यानी जो साधन आपको अच्छा लगे उस साधन से आप जा सकते हैं। इसके लिए नेपाल सरकार ने कुछ शर्तें लागू कर रखी है। शर्त यह है, क्योंकि पहले जैसे हम जाते थे तो पहले भी मुझे गाड़ी के पेपर, आरसी पेपर और बाकी चीज़ें जो कुछ होता था, मतलब गाड़ी से संबंधित वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर दिखाना पड़ता था, तब जाकर हमारी गाड़ियों का भंसार होता था। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार अलग ये है कि कोविड के चलते हुए नेपाल सरकार ने भारत और नेपाल का सीमा बंद कर दिया था, यानी ना इधर से कोई जा सकता था ना उधर से कोई आ सकता था, और पूरी तरह से वाहनों पर भी रोक लगा दी गई थी। बस सिर्फ वही वाहन जाती थी जो मतलब ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ थी, यानी जो खाने पीने का सामान था, जो कुछ और ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी गाड़ियाँ मतलब आती थी और जाती थी अब तक के। लेकिन हमारी जो प्राइवेट गाड़ियाँ थी, हमारी वाहनें थी, यानी हम किसी तरह से अगर नेपाल जाना चाहते थे, क्योंकि हमारा नेपाल देश रोटी और बेटी का देश है, हमारी रिश्तेदारी उस पार भी है और उधर की रिश्तेदारी इस पार भी है, यानी ये सारी चीज़ें हम लोगों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। हमारा भी ससुराल नेपाल में है, लेकिन ससुराल हम करीब 1.5 साल से नहीं 1.5 साल से नहीं जा पाए हैं। लेकिन अब हमें समझ लीजिए हमारे अंदर इतनी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है कि यार कब हम नेपाल जाएँ, कब जाएँ, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो बॉर्डर यहाँ से करीब 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी हम जब चाहें जब जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो जब से मुझे ये खबर मिली है कि अब नेपाल पूरी तरह से खुल गया है, आप अपने निजी वाहनों से नेपाल जा सकते हैं, तब से हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि यार अब तो हम नेपाल की राइड भी कर सकते हैं, नेपाल ट्रैवल भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ हमारा दिल कह रहा था जाने के लिए अब वहाँ पर हम जा भी सकते हैं और अपने व्यूअर्स को वहाँ की वीडियो भी दिखा सकते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि मतलब वहाँ जाने के लिए कौन कौन से पेपर की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जाने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट है गाड़ी के, वो तो सारे चाहिए, उसका ज़रूरी है। उसके बाद में जिनको अभी तक दोनों कोविड के टीके नहीं लगे हैं, उनको दोनों कोविड के टीके लगवाना कंपल्सरी है। और उसके बाद में उसका जो प्रमाण पत्र होता है, वो प्रमाण पत्र भी अपने साथ रखना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है कि उस पार इंटर करने के बाद में आपकी फिर से जांच हो, उसके बाद में तब फिर आपको नेपाल जाने दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब आप नेपाल जा सकते थे। तो दोस्तों, जो सारी जानकारी थी मुझे, वो हमने इस वीडियो के जरिए आपको बता दिया है। आप हंसी खुशी आइए और अपना राइड कंप्लीट करिए और नेपाल ट्रेवल करिए, नेपाल सारा इंजॉय करिए, जैसे कि काठमांडू हुआ, पोखरा हुआ, और उसके बाद में बहुत सारी जगह हैं, मुक्तिनाथ हुआ, यानी जहाँ की आप प्राण करके आएंगे वहाँ पर आप जा सकते हैं, काफ़ी हंसी खुशी से जा सकते हैं। और मैं भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि हम भी जाएंगे यार, हम भी जाएंगे, कब खुलेगा बॉर्डर, कब खुलेगा बॉर्डर। तो समझ लीजिए कि अब पूरी तरह से नेपाल बॉर्डर खुल चुका है, अब हम लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। क्योंकि 1.5 साल से भाई हम लोग तो बंधे हुए थे, ना तो कहीं जा सकते थे ना कहीं आ सकते थे, हमने इंडिया में भी कोई ट्रैवल नहीं किया है, कोई राइडिंग नहीं किया है। लेकिन जबकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारे करीब में है, हम ज़्यादातर नेपाल जाना पसंद करते हैं और अपनी इंडिया में तो खैर है ही है भाई, क्या कहना इंडिया की। तो नेपाल की हमारी बहुत सारी प्राणियाँ हैं, वो प्राणी अब मैं बहुत जल्द पूरा करने वाला हूँ और जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो लोग अब नेपाल जाना चाहते हैं वो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो चीज़ें हमने आपको बता दिया है वो चीज़ें ज़रूरी है। और कुछ पेपर में मतलब लिखा हुआ है कि भारत नेपाल सीमा के प्रमुख नाके दोपहर बाद भारतीय वाहनों के लिए खोल दिए गए हैं। नेपाल सरकार के इस फैसले से दोनों देशों के टूर एंड ट्रेवल से जुड़े
लोगों व भारत नेपाल के स्थानीय लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, यानी समझ लीजिए कि काफ़ी खुश हो गए हैं लोग। उसके बाद में फिर क्या है, रूपनदेही के सीईओ ऋषि राम तिवारी ने कहा है कि कोविड अनुपालन के साथ भारतीयों के वाहनों को भी नेपाल प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। वाहन में सवार पर्यटकों को कोविड के दोनों टीकों के प्रमाण पत्र व कोविड जांच प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, तब हम नेपाल में एंटर कर सकते हैं। तो जो सारी जानकारी थी वो सारी जानकारी मैंने आप सबको बता दी। तो दोस्तों बस वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, या हम कोशिश करेंगे हम नेपाल जाने के लिए। तो चलते हैं।